व्यूवर्स एंड दिस इज जितेंद्र चामरिया फ्रॉम जेके कुकरी क्लासेस। सो आज हमारा डोमिनो स्टाइल पिज्जा का क्लास था। आज के क्लास में हमने डिफरेंट वेराइटीज के पिज्जास एंड टॉपिंग्स कवर किए हैं। ये क्लास में हम सबको इंडिविजुअली डो वगैरह बनाने देते हैं और 100% हैंड्स ऑन सेशंस होते हैं। इस क्लास में हमने व्हीट फ्लावर पिज्ज़ा, मल्टीग्रेन, नाचनी, बाजरा, वैसे थोड़े बहुत प्रैक्टिकली पिज्ज़ा बेस बताया है और थोड़े हमने रिटर्न रेसिपीज़ में दिए हैं। और हम देखेंगे आज के क्लास में हमने क्या क्या कवर किया है। ये हमने बनाया है गार्लिक स्टिक, पनीर कैप्सिकम पिज़्ज़ा विथ थिन क्रस्ट बेस। ये हमने बनाया व्हीट बेस पिज़्ज़ा विथ ऑनियन कैप्सिकम, गार्लिक ब्रेड, तंदूरी पिज़्ज़ा विथ पेन शेप पिज़्ज़ा बेस, कैल्ज़ोन पॉकेट, पिज़्ज़ा पॉकेट्स। ये हमने बनाया है डेजर्ट पिज़्ज़ा, चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा विथ ब्रोकली, ऑलिव्स, पेपरिका टॉपिंग, झिंगी पार्सल। ये हमने बनाया है नाचनी पिज़्ज़ा बेस विथ ब्रोकली एंड स्वीट कॉर्न टॉपिंग, और ये हमने बनाया है फ्रोजन पिज़्ज़ा। फ्रेंड्स, ये फ्रोजन पिज़्ज़ा आप 2 to 3 months तक फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका मन करे आप वो टाइम पे उसको बेक कर सकते हैं। माझं नाव पूजा भांबुरे, मी राजगुरुनगरवरून आलेली आहे। आज आम्ही जेके कुकरी क्लासमध्ये पिझ्झाचं वर्कशॉप केलं, वन डे वर्कशॉप होतं। या वर्कशॉपमध्ये आम्हाला पिझ्झा कसा बनवायचा, कोणत्या पद्धतीने बनवायचा, ह्याचं चांगल्या प्रकारचं नॉलेज देण्यात आलं। आपण विचार करतो की डॉमिनो स्टाईलचा पिझ्झा आपण घरी बनवू शकतो का? हो, खरंच ह्यांनी आम्हाला डॉमिनो स्टाईलचा पिझ्झा बनवायला शिकवलं। आणि इतकंच नाही तर त्यांनी आम्हाला पिझ्झाची साईज किती असली पाहिजे, पिझ्झात कोणतं टॉपिंग घातलं पाहिजे, चीज कोणतं यूज केलं पाहिजे, त्यानंतर ना पिझ्झाचं वेट, पिझ्झा कोणत्या रेंजमध्ये आणि कसा बनवला जातो आणि कशाप्रकारे विक्री केला जातो, त्याचं मार्केटिंग, ह्या सगळ्या गोष्टींचं आम्हाला त्यांनी माहिती दिली व ह्या गोष्टीमुळे आमची पिझ्झा बनवण्याची भीती निघून गेली। फ्रेंड्स, हमारी ये क्लासेस नेरूल में है। हम लोग वन डे वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। हमारे पास 45 वेराइटीज ऑफ वेज कोर्सेस है। अगर आप हमारे कोई भी क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वो बेल बटन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।